दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन फिलिप्स एक्वा टच एंड दिस जिलेट मैच 3 टर्बो प्लस. दिस इज अ शेवर एंड दिस इज अ रेजर. तो दोनों प्रोडक्ट में से अगर आप क्लीन शेव करते हैं तो आपको कौन सा लेना चाहिए, जानने के लिए मेक श्योर वीडियो को अंत तक देखते रहिए. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक गुप्ता, trimmerforman.in में आप सभी का बहुत स्वागत है. तो कंपैरिजन के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा आप देख रहे हैं इसे हम फिलिप्स एक्वा टच से शेप करेंगे, और जो राइट हैंड साइड वाला हिस्सा आप देख रहे हैं इसे हम जिलेट मैच 3 टर्बो प्लस से शेप करेंगे. फिर आपको साइड बाय साइड कंपेयर करके बताएंगे. तो चलिए बिना किसी देरी की लेट्स द ट्रिम बिगिन. तो स्टेप नंबर 1, अपने गाल में हम अच्छी तरह से पानी लगा लेंगे. इसके अलावा मैं अभी यूज करने जा रहा हूँ जिलेट की तरफ से आने वाले जिलेट फॉर्म, तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा शेविंग करने से पहले शेविंग क्रीम का इस्तेमाल जरूर कीजिए. अब चलिए ये वाला हिस्से को हम फिलिप्स एक्वा टच से शेव कर लेते हैं. तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले हिस्से हमने फिलिप्स एक्वा टच से शेप कर लिया है. अब चलिए राइट हैंड साइड वाले हिस्से को हम जिलेट मैच 3 टर्बो प्लस से आपको लाइव शेप करके दिखाते हैं. तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों ही साइड हमने शेप कर लिया है. अब चलिए एक बार मैं अपने फेस को वॉश करके आता हूं, फिर मैं आपको एग्जैक्ट रिजल्ट बताऊंगा. सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनली हमने अपने बियर्ड को पूरी तरह से शेप कर लिया है. राइट हैंड साइड वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं इसे हमने शेप किया है विद द हेल्प ऑफ दिस जिलेट मैच 3 टर्बो प्लस. और अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो हल्के हल्के बियर्ड आपको स्किन में कहीं ना कहीं नजर आ जाएंगे, बहुत ही धीमी धीमी, जो नॉर्मली दिखेगा नहीं, बट बहुत ही ध्यान से देखेंगे पास आके तो हल्के हल्के बियर्ड आपकी स्किन में नजर आ जाती है. इन द सेम टाइम अगर आप लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा देखेंगे तो ये वाले हिस्से को हमने शेप किया है विद द हेल्प ऑफ दिस फिलिप्स एक्वा टच शेवर. बट एज कम्पेयर टू रेजर दोस्तों आप देखिए ये वाला हिस्सा बहुत ही बेहतरीन क्लीन शेप करके आप दे देता है, और आप नीचे स्किन को छूओगे तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपके गालों में थोड़ा सा भी दाढ़ी वगैरह है भी या नहीं. बहुत ही स्मूथ लगता है, बहुत ही सॉफ्ट लगता है. बट ये वाला हिस्सा आप इजीली पकड़ के आइडिया लगा सकते हो कि यस हल्के हल्के बियर्ड आपको कहीं ना कहीं महसूस हो जाएगी. तो क्लीन शेप के मामले में डेफिनेटली द विनर इज फिलिप्स एक्वा टच. इसके अलावा दोस्तों जिलेट मैच 3 का एक बेनिफिट है, इसके यूज़ करने के लिए आपको ना चार्जिंग करने की ज़रूरत पड़ती है ना कोई पावर की ज़रूरत है, जब मन किया डायरेक्टली आप शेव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम ऑन डैट. बट फिलिप्स को यूज़ करने के लिए आपको एटलीस्ट 10 घंटे चार्ज करने पड़ते हैं, और 10 घंटे चार्ज करने पर आपको इस पर 40 मिनट्स का रन टाइम मिल जाता है. तो अगर आपका शेवर चार्ज है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इमरजेंसी के दौरान अगर आपका शेवर चार्ज नहीं है ऑन डैट के साथ आपको थोड़ी बहुत परेशानी
हो सकती है। ऑल राइट, जो भी मेरा राय था आप सभी को हमने शेयर कर दिया। अब डिसीजन आपका है, क्या आप फिलिप्स एक्वा टच लेना चाहते हैं या फिर जिलेट मैच 3 टर्बो प्लस लेना चाहते हैं, और एल्स इनके साथ साथ अगर आप ये जिलेट का फॉर्म भी ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो भाई सबका बेस्ट बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, तो प्लीज़ वहीं से ले लीजिएगा जहां से सारे के सारे प्रोडक्ट आपको सबसे सस्ते दाम में मिलेगी। इसी के साथ साथ थोड़ी सी सपोर्ट हमारे चैनल को हो जाएगी, जब भले थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। चैनल वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो हिट दी बेल आइकॉन। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो पे, बट प्लीज़ जाते जाते एक बार कॉमेंट पर लिख के बताइएगा दोनों में से आपको कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।